हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको न्यू ट्रेंडिंग अफ़गानी सलवार बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। और ये सलवार पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा फैशन चल रहा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट देखेंगे, ये हमारी सलवार का मेजरमेंट रहेगा। और अफ़गानी सलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। वैसे ये 2 से 2.25 मीटर कपड़े में आराम से बन जाती है, तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो बच जाएगा। सबसे पहले कपड़े को लंबाई में से इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लेना है। ये कपड़े की बंद वाली साइड है और ये कपड़े की खुले वाली साइड है। अब कपड़े को हमने चौड़ाई में से भी फोल्ड कर लेना है, मतलब हमने कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करके बिछा लेना है। और खुले वाली साइड पे हमने एक सीधी मार्किंग करनी है ताकि कपड़े में जो थोड़ी बहुत टेढ़ है वो निकल जाए। अब हमने इसी मार्किंग पे से अपनी सलवार का मेजरमेंट लेना है। तो 6 इंच की मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। 6 इंच मैंने इंच टेप को ऊपर रखा और यहाँ पे जितनी लंबाई है उतने पे आपको मार्किंग करनी है। तो मैं इसकी लंबाई 39.5 इंच तैयार रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे 39 इंच पे लगाया है, मतलब 0.5 इंच कम लिया है। सिलाई के लिए मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे भी 39 इंच पे निशान लगाया और ऐसे हम इस निशान को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो फिर से हम बेल्ट को माइनस करेंगे 6 इंच और यहाँ पे जितना आपका आसन है वहाँ पे मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच आसन तैयार रखूँगी, तो मैंने यहाँ पे 0.5 इंच सिलाई के लिए मार्जिन लिया है आसन पे, तो 14.5 इंच पे मार्किंग की है। अब मोहरी पे आपको ध्यान देना है, मेन इसकी जो कटिंग है मोहरी की है, तो मोहरी में रखूँगी इसकी 6.5 इंच। तो 6.5 इंच का मैं डबल करूँगी तो होता है 13 इंच। फिर मैंने इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग की। तो जितनी भी आपकी मोहरी है उसे आपको डबल लेना है और उसमें 1 से 2 इंच और उसमें आपको प्लस करना है। अब हम आसन वाले निशान को और मोहरी वाले निशान को ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में देखिए, मैं यहाँ पे आसन पे क्रोच एरिया बनाऊँगी। इससे सलवार की फिटिंग भी अच्छी आती है और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो 2 इंच मैंने अंदर की तरफ मार्किंग की और यहाँ पे ऐसे क्रोच एरिया बना दिया। आप इसको नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे फिटिंग भी अच्छी आती है और आसन पे से खिंचती नहीं है। अब हम इसी मार्किंग पे से इसकी कटिंग करेंगे। तो ये लीजिए, मैंने कटिंग कर ली है। तो अब नीचे वाले एरिया की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हो। अब हमने यहाँ पे भी सेंटर में एक मार्किंग करनी है और छोटा सा कट भी मार देंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो दोनों साइड के हमने नीचे की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो ये कपड़ा डबल में है, तो यहाँ से हम इसमें से बेल्ट निकाल लेंगे। तो बेल्ट में तैयार रखूँगी 23 इंच, तो मैं यहाँ पे 24 पे मार्किंग कर रही हूँ, मतलब 1 इंच में ज़्यादा ले रही हूँ दोनों साइड की सिलाई के लिए, आधा आधा इंच। और हम तैयार बेल्ट रखेंगे 6 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच ले रही हूँ, 2 इंच में नेफा फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ इसमें। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा पूरा 8 इंच है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा डबल में है, तो ये हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हमने कटिंग कर ली है। मोहरी के लिए कपड़ा कट करेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे। देखिए, जो हमारी सलवार है उसमें जो लाइन है वो सीधी है, तो मोहरी पे हम लाइन आड़ी लगाएंगे, तभी ये हमारी सलवार है खूबसूरत दिखेगी। तो इस तरीके से हम मोहरी के लिए कपड़ा कट करेंगे। तो मैं 6.5 इंच रखूँगी, तो मैं यहाँ पे 16 इंच की ये लंबाई ले रही हूँ और चौड़ाई लगभग मैं ले रही हूँ इसकी 7 इंच के लगभग मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको फोल्ड ज़्यादा करूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच के लगभग रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। हमने ये मोहरी का कपड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने सलवार की लंबाई में सिलाई के लिए कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो सिलाई में जो मार्जिन जाएगा वो हमारा इस मोहरी में सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारी मोहरी हो गई। अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 7 इंच रखी है, आप देख सकते हो। तो ये दोनों साइड की मोहरी के लिए भी मैंने कपड़ा कट कर लिया है।
तो ये हमारी जो सलवार है पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई, ये बेल्ट हो गई। अब ये कपड़ा निकला है इसको हम साइड में रख देंगे, कुर्ती में हम इससे डिजाइन बनाएंगे। और ये देखिए हमारी जो सलवार की कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने देखिए सबसे पहले आसन पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने दोनों साइड के आसन को मिलाना है। कपड़े को हमने ऐसे रखना है, जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ करनी है और यहाँ पे उल्टी साइड को ऊपर की तरफ करके ऐसे आसन पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड वाले पे। और हम बेल्ट को भी तैयार कर लेंगे दोनों साइड पे सिलाई लगा कर इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड के आसन पे सिलाई लगा ली और यहाँ पे मैंने बेल्ट को भी रेडी कर लिया। अब हम इस तरीके से इसको रखेंगे, दोनों साइड के आसन को मिलाएंगे और ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो जाती है। अब हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो देखिए जो हमने नेफा में डोरी डालने के लिए ये होल रखा है, ये हमारा सामने की तरफ आएगा जहाँ से हम डोरी डालते हैं। इसमें आप वैसे इस सलवार में चाहें तो इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये डोरी वाली बना रही हूँ। तो ऐसे रखते हुए देखिए हम इसको भी उल्टा कर लेंगे बेल्ट को भी। और अब हमने जो होल वाली साइड है वो सामने की तरफ रखना है। और इस तरीके से रखते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक साइड में, तो हम दो प्लेट बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें दो प्लेट बनाऊंगी जैसे हम अपनी नॉर्मल सलवार में बनाते हैं। और बाकी जो कपड़ा है उसकी हम सामने की तरफ जैसे हम अपनी सलवार में प्लेट डालते हैं सेम उसी तरीके से प्लेट डाल लेनी है। तो ये हमारा दोनों साइड का आसन है। देखिए अब हम इस पर यहाँ पर देखिए बैक साइड में दो प्लेट बना रहे हैं। तो आप चाहें तो बना सकते हैं और आप नहीं चाहें तो नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे दो प्लेट बनाकर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे बैक साइड पे। यहाँ से देखिए हम ऐसे इसके आसन को मिलाएंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे, क्योंकि इससे आगे हमने इसमें प्लेट डालनी है सामने वाली साइड में। तो जो हमने मार्किंग की है इससे हम कम से कम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो मतलब आधा बेल्ट से हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई लगा के फिर हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। ये हमारा निशान है और यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली। अब यहाँ से हम प्लेट डालेंगे इसमें। तो देखिए अपनी तरफ हमने प्लेट डालनी है, तो ये प्लेट हमने दोनों साइड के रुख पे डालनी है। तो मैं अभी अपनी तरफ के रुख पे डाल रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और अब ये आसन आ गया हमारा सामने वाला। अब आसन से हम इस साइड की जो प्लेट है ना वो हम इस तरफ डालेंगे, बस हम इसका जो रुख है वो चेंज करेंगे, बाकी सेम तरीका है जैसे हमने पहले डाली है उसी तरीके से हम इस साइड में भी डाल लेंगे। तो ये लीजिए मैंने प्लेट डाल ली है इसमें। अब हमने एक इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमने देखिए एक पैर का मार्जिन लेते हुए ऊपर की तरफ लगानी है, नीचे की तरफ नहीं लगानी है। और जो ये कपड़ा है ये हमने ऊपर की तरफ ही ऐसे रखना है और यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी। तो इससे जो हमारी प्लेट है वो एकदम सीधी रहती हैं और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमारी सलवार बनके तैयार होती है। तो ये लीजिए यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली। तो ये हमारी सलवार इस तरीके से रेडी हो गई ऊपर की साइड से। अब हमने मोहरी तैयार करनी है। तो देखिए जो हमने 20 सेंटर में मार्किंग की है यहाँ से हमने इसमें प्लेट डालना शुरू करना है, ये देखिए। तो इसमें हमने दोनों साइड से प्लेट बनानी है। देखिए इस साइड से ऐसे प्लेट बनाएंगे और हमने 4 से 5 प्लेट एक साइड में बनानी है, मतलब हमने अपनी मोहरी को 7.5 इंच तक ये तैयार ऐसे कर लेना है। और फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो 6.5 या 7.25 इंच रह जाएगी। दोनों साइड से हम 4 से 5-5 प्लेट इसमें डाल लेंगे। प्लेट डालने के बाद में हम अपनी इसमें मोहरी वाले कपड़े को अटैच करेंगे जो हमने कपड़ा कट किया है, ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए पहले हमने इसमें प्लेट बनाकर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड से 4-4 प्लेट बना रही हूँ, आप चाहें तो 5-5 प्लेट भी बना सकते हैं। देखिए 4 प्लेट मैंने इस साइड से बनाई
और 4 प्लेट मैं इस साइड से बना रही हूँ। तो मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम इसमें मोहरी वाले कपड़े को अटैच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से नीचे की साइड रखेंगे और इस पे हम ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैर का मार्जिन से भी ज़्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा रही हूँ, मतलब जो मैंने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए मैंने इस पे सिलाई लगाई है। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्ड कर देना है और यहाँ पे मैं 2 लाइन ले रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पतली सी वाइट लाइन है, इस तरह की लाइन हमने सीधी रखनी है अगर आपके कपड़े में ऐसी लाइन है तो। और प्लेन कपड़ा है तो बस एक जैसी मोहरी आपको फोल्ड कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं 7.25 इंच मोहरी रख रही हूँ इसकी, और इस पर सीधी सिलाई लगा ले रही हूँ। ये लीजिए, ये हमारी अफ़गानी सलवार बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही है, और बनाने में बहुत ही आसान है। तो तैयार होने के बाद में जो हमारी सलवार की लेंथ है वो 39.5 इंच एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करनी है अपने मेजरमेंट के हिसाब से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सलवार पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और आजकल इसका बहुत ही ज़्यादा फैशन चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।